एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर से टिकट का ऐलान नहीं किया है, ये बड़ी अपडेट एबीपी गंगा आपको दे रहा है। सरोजनी नगर से सपा ने अपने टिकट का उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जबकि और जगहों से लखनऊ के ऐलान हुए हैं, लेकिन सरोजनी नगर से अपने उम्मीदवार का ऐलान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यहां पर अभी भी वेट कर रही है समाजवादी पार्टी, और आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है, गौर करने वाली बात है, लेकिन अभी भी टिकट घोषित नहीं है। क्यों? क्या कोई रणनीति, कोई मंथन अभी भी बहुत गहराई से चल रहा है जो पूरा नहीं हुआ है? कहां पर पेच फंसा हुआ है? यह बड़ी बात। वापस हम वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश, आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं, दूसरी, आप कह रहे हैं कि सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर अभी रहे वो ईडी के, और उन्होंने वीआरएस लिया, वो चुनाव मैदान में होंगे बीजेपी के लिए। चलो लखनऊ उत्तर से, सरोजनी नगर की घोषणा नहीं की गई है, सरोजनी नगर की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नहीं की गई है। अनुराग यादव, धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद, घर के लड़के हैं यादव परिवार के, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं अनुराग यादव, और उनको टिकट देने की बात चल रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपनी पैतरेबाजी की तो अनुराग यादव को दूसरे जगह से लड़ाया जा सकता है, और वहां पर किसी एक बड़ी अपडेट वीरेश और दे दूं। वीरेश, एक बड़ी अपडेट और दे रहे हैं। वीरेश, आपको कुछ क्षणों के लिए रोक रहे हैं, चूंकि बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है आपकी स्क्रीन पर। स्वाति सिंह मंत्री नहीं, टिकट कटना तय उनका। स्वाति सिंह का टिकट कटना तय सरोजनी नगर से। राजेश्वर सिंह, ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर, जिन्होंने वीआरएस लिया, वो उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। ये बड़ी खबर, और वहीं से अभी सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बीजेपी से राजेश्वर सिंह का नाम तय, स्वाति सिंह का टिकट कटना तय। ये बड़ी अपडेट। स्वाति सिंह मंत्री रही योगी सरकार में 5 साल पूरे, उनका टिकट कटना तय, और उनकी जगह राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। उन्होंने वीआरएस लिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, और वहीं से सपा का उम्मीदवार प्रतीक्षित है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वीरेश। वीरेश, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। देखिए, मैंने कहा कि सरोजनी नगर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, लखनऊ की मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र की वो सीट है, और यहाँ से मंत्री रही स्वाति सिंह का टिकट कट गया है, लगभग कट गया है, मैं कह रहा हूँ कि कट गया है, और वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे राजेश्वर सिंह। ईडी में रहे राजेश्वर सिंह, और लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह के पति राजेश्वर सिंह, जिन्हें सुल्तानपुर सदर से लड़ाए जाने की बात चल रही थी, उन्हें साहिबाबाद, गाजियाबाद की साहिबाबाद से भी लड़ाने की बात चल रही थी, न साहिबाबाद न सुल्तानपुर सदर, राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर चुनाव लड़ेंगे। राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर चुनाव लड़ेंगे। दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह, महेंद्र सिंह का नाम कट चुका है, नाम कट चुका है सरोजनी नगर से। दयाशंकर सिंह को बलिया भेजा जा रहा है, और स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह, महेंद्र सिंह की लड़ाई में ये सीट राजेश्वर सिंह के पास चली गई है। अभी से कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने वाली है। हमारे पास उच्च पदस्थ सूत्रों से ये जानकारी है कि राजेश्वर सिंह को ये कह दिया गया है कि अपने लोगों को एक्टिव कर दो, और एक्टिव कर दो सरोजनी नगर में, एक्टिव कर दो सुल्तानपुर सदर से। विशेष सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह के ससुर को टिकट मिल जाएगा, या उनके साले को मिल जाएगा, रुपेश सिंह को मिल जाएगा, क्योंकि वहां तलवार लटक रही थी कि सुल्तानपुर सदर से ईडी के अधिकारी, जिन्हें वीआरएस मिला है, राजेश्वर सिंह, जिन्हें पूरा देश जानता है, राजेश्वर सिंह को ईडी के तमाम बड़े घोटालों की जांच राजेश्वर सिंह ने की है, चाहे वो स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, इन सारे घोटालों की जांच और इससे संबंधित लोगों को जेल भेजने का काम जिस शख्स ने किया है, जिस अधिकारी ने किया है, उस अधिकारी का नाम राजेश्वर सिंह, जो लक्ष्मी सिंह है, आईजी लखनऊ, आईजी रेंज लखनऊ,
उनके पति हैं राजेश्वर सिंह और साथ ही साथ राजेश्वर सिंह का टिकट तय हो गया है सरोजनी नगर से। समाजवादी पार्टी ने भी सरोजनी नगर से अभी अनुराग यादव जो उनके घर के चचेरे भाई हैं, अखिलेश यादव के चचेरे भाई, धर्मेंद्र यादव के सगे भाई को टिकट अभी नहीं दिया है सरोजनी नगर से। सरोजनी नगर से टिकट अभी घोषित सपा ने भी नहीं किया है, लेकिन जैसे ही राजेश्वर सिंह का नाम आएगा वैसे ही समाजवादी पार्टी भी घोषित कर देगी। और साथ ही समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें पूजा शुक्ला जो युवा नेता हैं और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अभी निकली ही हैं कि उन्हें टिकट दिया गया है। और ये वो पूजा शुक्ला हैं जो अखिलेश जो योगी आदित्यनाथ की कार और जो काफिला जा रहा था बड़े हनुमान मंदिर के सामने, तो उनके काफिले के सामने कूद गई थी, काला झंडा दिखाया था, लाठियां खाई थी, जेल गई थी। उस पूजा शुक्ला पर अखिलेश यादव ने भरोसा किया है, उनको टिकट दिया है। अभिषेक मिश्रा पूर्व कैबिनेट मंत्री अखिलेश सरकार में, उनको टिकट अभी नहीं दिया है। अनुराग भदौरिया जो उनके प्रवक्ता हैं उनको टिकट दिया गया है, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर पे सस्पेंस बरकरार रखा है, भाजपा ने लखनऊ की सभी सीटों पर सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन ये बहुत देर तक सस्पेंस नहीं चलेगा क्योंकि नामांकन करना है और ऐसे में टिकट अभी भाजपा भी घोषित करेगी। लेकिन इंतजार सपा कर रही थी, उसके सब्र का बांध टूट गया, उसने ये सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतना लेट कर देगी, इतना मंथन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि चिंतन मंथन और भोजन वाली पार्टी है, तो चिंतन मंथन लखनऊ और ये जो विश्राम की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, चिंतन मंथन विश्राम और भोजन, इसके जो विरोधी हैं व्यंगात्मक रूप से कहते हैं, आरोप लगाते हैं भाजपा पर, तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी की सीट पर मंथन चिंतन विश्राम इतना हो गया कि अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। इसके पीछे का मूल कारण मैं आपको राजेंद्र बताऊं कि जो लखनऊ के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको कह दिया गया अब से 10 दिन पहले कि लखनऊ की सीटें, लखनऊ संसदीय के क्षेत्र की सीटें, मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र की सीटें राजनाथ सिंह ही तय करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह को कह दिया कि भैया आप दूल्हा बन जाओ और आप तय कर दो, जो आप नाम रख दोगे वही नाम तय हो जाएगा। लेकिन लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, बंसल जी भी कुछ चाहते हैं, योगी जी भी कुछ चाहते हैं, मोदी जी की भी कुछ चाहत हो सकती है, अमित शाह जी की भी कुछ चाहत होगी। इतने जी हैं भारतीय जनता पार्टी में, सबकी प्रदेश की राजधानी में कुछ न कुछ ऐसे जी हैं, माननीय हैं, जिनको टिकट दिलाने की अपनी चाहत होगी। चाहत बुरी बात नहीं है क्योंकि ये सभी बड़े नेता हैं, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको भी एक सम्मानित सीट मिलनी चाहिए, सेफ सीट मिलनी चाहिए ताकि वो जीत सकें। ब्रजेश पाठक मध्य से पिछली बार 5,000 वोटों से जीते थे, उनको भी ऐसी सीट चाहिए जिससे वो जीत सकें। साथ ही साथ राजनाथ सिंह को जब भरोसा दिया गया कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे हैवीवेट्स हैं पार्टी में और बिल्कुल सबका से हो सकता है, सबकी इच्छा हो सकती है लखनऊ की सीटों के लिए खासकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित क्यों नहीं किया? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश